सभी लोग जो ये भारी संख्या में उपस्थित हुए और ये आगाज है कि आने वाला 2023 ये सत्ता में बैठी सरकार जो दलितों, गरीबों और पिछड़ों पर अत्याचार रोकने में नाकाम साबित हुई है उसको उखाड़ फेंकने का आगाज है ये। और 100% ये बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में ये 2023 में ऐसी निकम्मी सरकार उखाड़ फेंकने का काम करने वाले हम सब लोग। और ये आज अंगड़ाई है और आज से शुरुआत हो चुकी है। ये 16 अगस्त से हम लोग चल करके 29 अगस्त तक जयपुर में इस पूरे मार्च को निकालेंगे जो हम पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जगहों पर जाकर के विभिन्न गांव के अंदर जाकर के रुकने का काम करेंगे। और आप सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार आज प्रदेश के अंदर चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गरीब हो, चाहे सर समाज का गरीब हो, उन पर अत्याचार आए दिन होता है, उन अत्याचारों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। और यही नहीं, एनसीआरबी का रिकॉर्ड भी कहता है कि राजस्थान धीरे धीरे अव्वल नंबर पे आता जा रहा है अत्याचार के मामले में, बलात्कार के मामले में। और यही नहीं, यहाँ के मंत्री और विधायक गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते हैं खुलेआम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, ये जनता है, इनके पास एक ताकत है, वोट की ताकत है। और जो वोट की ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन गरीबों को देने का काम किया है, और इसी वोट के जरिए इन सरकारों को खाने का फरमान भी है कि आप सभी लोगों को आने वाले समय में 2023 में ऐसी सरकारों को उठा करके अलग करना है जो गरीबों की सुनती नहीं है, जो दलितों की सुनती नहीं है, जो आदिवासियों की सुनती नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों की सुनती है, सिर्फ बड़े बड़े रईसों की सुनती है, ये गरीबों के लिए काम नहीं करती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली, राहत कैंप की बातें करते हैं कि राहत कैंप पे महंगाई कैंप की बातें करते हैं, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 100-200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे आप उस वक्त कहां चले गए थे जब आपकी सरकार जाने वाली है? 4.5 साल बीत गए तो आप तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन आप 4.5 साल न किसानों के लिए कोई योजना लेकर आए, न परीक्षाओं के लिए कोई योजना लेकर के आए, न छात्रों के लिए कोई योजना लेकर के आए, न गरीबों के लिए कोई योजना लेकर के आए। लेकिन जब चुनाव आ गया तब आप कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर फ्री करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, ये जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है, और इस बार ठान लिया है कि नीला झंडा हाथी निशान जयपुर जाने वाला है, आप रोक नहीं पाएंगे। आज यहाँ ब्राह्मण समाज के तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं पिछली बार जब रितेश शर्मा जी की ज्वाइनिंग कराने के लिए आया था उस वक्त भी तमाम ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए थे, और ब्राह्मण समाज के लोगों ने खुद ये स्वतः नारा लगा दिया था कि अब ब्राह्मण संघ बजाएगा और हाथी जयपुर जाएगा। ये आप सभी लोगों ने उस वक्त बोलने का काम किया था, और मुझे आज भी एहसास है कि तमाम ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, तमाम मेरे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बैठे हुए हैं, और आज एक एक कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि आने वाले समय में बीएसपी काली नहीं, सत्ता में भागीदारी बनेगी, बड़ी ताकत लेकर के 2023 में नीला झंडा जयपुर लेके जाने का काम करेंगे।